हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटवर्क टेक पर। दोस्तों मैं हूं रंजित और चले आज बताने वाला हूं बिना डायमेंशन वाला गैसेट प्लेट मार्किंग कैसे करोगे। तो वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहिए। ये हो गया पाइप गटर ड्राइंग, ये हो गया हम लोग का गैसेट प्लेट। इसको एरो मार्क करके दिया गया है क्या साइज है। PL मतलब प्लेट है, 211 चौड़ाई है इंटू 8 mm का थिकनेस है, लेंथ है 480। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है हम लोग का 480 और यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई है 211 और इसका नोज दिया हुआ है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है 36 और यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है 77 और इधर का नोज का डायमेंशन नहीं दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं बिना डायमेंशन का नोज मार्किंग कैसे होता है। गैसेट प्लेट मार्किंग करने से पहले हम लोग को पहले राइट एंगल करना ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पर राइट एंगल किया हुआ है। राइट एंगल करने के बाद में प्लेट का साइज मार्किंग करेंगे। देखिए लेंथ दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक 480, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई दिया गया है 211। ये लेंथ लेना है हम लोग को 480, ये हो गया 480 लेंथ। ऊपर में 480 लेना है, ये हो गया 480। फिर चौड़ाई है प्लेट का 211, इधर 211 लेना है, ये 211 हो गया। फिर इधर में लेना है 211, इसको लाइन खींचना है 2। ये हो गया प्लेट का साइज, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है 480 और चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई है 211। तो अभी हम लोग को नोज मार्किंग करना है। यहाँ पर देखिए नोज दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक 36 और यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग को 77 दिया हुआ है। ये कॉर्नर से इधर हम लोग को 36 लेना है, ये हो गया 36। फिर ये कॉर्नर से हम लोग को डाउन लेना है 77, ये हो गया 77। को लाइन खींचना है 2। ये देखिए ये वाला नोज हम लोग का मिल गया। ये देखिए ये वाला हम लोग का नोज मार्किंग हो गया। अभी हम लोग को ये वाला नोज मार्किंग करना है। ये वाला नोज मार्किंग के लिए देखिए डायमेंशन दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन दिया गया है 138। तो यहाँ से हम लोग को यहाँ 138 लेना है, उसके बाद जो भी हम लोग का एंगल का साइज है 138 से एंगल का साइज है हम लोग का 65, तो 65 लेने के बाद में 10 mm प्लस देना है वो होल्डिंग चाल के लिए। उसके बाद डाउन में हम लोग को देखिए डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, तो ये डाउन का डायमेंशन के लिए देखिए इधर में डायमेंशन दिया गया है यहाँ तक का 77, इसमें प्लस 40 mm प्लस कर देना है। तो टॉप से यहाँ से यहाँ हम लोग का डाउन होगा 40 mm प्लस कर देने से, 77 से 40 mm प्लस कर देने से 117 होगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग को 138 लेना है, ये हो गया हम लोग का 138। उसके बाद एंगल का साइज है हम लोग का 65, ये हो गया 65। उसके बाद 10 mm होल्डिंग चल के लेना है, ये हो गया हम लोग का 10 mm। उसके बाद टॉप से हम लोग का यहाँ लेना है 117, ये हो गया हम लोग का 117। तो इसको लाइन खींच देना है हम लोग को। ये देखिए गैसेट प्लेट दोनों साइड का नोज मार्किंग हो गया। तो ऐसे ही आप लोग को अगर डायमेंशन नहीं दिया हुआ है तो ऐसे ही आप लोग को नोज मार्किंग करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।